देशभक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाणा से सामने आ रही है। गोहाणा में 1 जुलाई को एक गर्भवती महिला की गला घोटकर हत्या करने के मामला सामने आया था, जिसमें अब पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। व्यक्ति जो है मृतक महिला का पति है, जिसका नाम अशोक है। बता दें कि 1 जुलाई को राजवीर पुत्र रामचंद्र गांव मतलोडा ने गोहाणा सदर पुलिस को शिकायत दी थी कि मेरी भतीजी काफी की शादी करीब 4 साल पहले गोहाणा के गांव रबड़ा में अशोक के साथ हुई थी, जिसके एक बच्चा है, 2 साल का एक लड़का भी है। उसने उसके परिवार और उसने मिलकर जो है काफी की गला घोटकर हत्या कर दी गई है। और बता दें कि जो है हत्या है वह चुन्नी से गला दबाकर घोट कर जो है इस घटना को अंजाम दिया गया था। अब जो है गोहाणा सदर पुलिस ने एक आरोपी जो कि मृतक महिला का पति है, उसको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। और कल जो है पुलिस ने रिमांड लिया गया था और आज कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट में पेश कर जो है उसे आज जेल भेजने का काम किया गया है। बताया गया है कि पूछताछ में सामने आया है कि दोनों मियाँ बीबी की जो है लड़ाई झगड़ा होता था, छोटी मोटी कहासुनी हो जाती थी, उसी को लेकर जो है ये बड़ा कदम जो है अशोक ने किया उठाया है, जिसमें उसने अपनी पत्नी की जो है परिवार के साथ मिलकर चुन्नी के साथ गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। अब जो है गोहाणा सदर पुलिस ने अशोक को गिरफ्तार कर लिया गया है और कल जो है कोर्ट में पेश करके 1 दिन की पुलिस रिमांड लिया गया था और आज कोर्ट में पेश किया गया है और कोर्ट ने उसे अब जेल भेज दिया गया है। और आप सभी से अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये खबर पहुँचे कि गर्भवती महिला की हत्या के मामले में उसी के पति को गिरफ्तार किया गया है और अब उसे जेल भेजने का काम किया गया है। अशोक है, अशोक ईश्वर का गाँव रे बढ़िया, जिसकी इन्हें अपने खुद मिसिज अपने परिवार के साथ मिलकर मारी थी, जिसको दिनांक 1/7 को गिरफ्तार कर लिया था। कल पेश अदालत करके 1 दिन का पुलिस रिमांड पर दिया गया था, जिसको आज पेश कर दिया गया है और अदालत ने सोनीपत जेल के आदेश क्या बताया सर? इनके आपस में तकरार आया करती, मैं आगे भी दोनों की इनके परिवार वाले भी शामिल थे इसमें, काफ़ी बारी समझा है लेकिन वहाँ मानी नहीं, मिलकर 1 तारीख को सुबह इसकी हत्या कर दी। आदमी 6 आदमी है, 1 गिरफ्तार कर लिया, बाकी गिरफ्तार गया है 25 लाख। नहीं ऐसा कुछ नहीं आया सामने, नहीं ऐसा मामले सामने कुछ नहीं आया। आपस में दोनों की बोलती नहीं थी, उसकी कहा नहीं मान दिया, आपस में गलत इनके आपस में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होता रहता था। जी जी किस चीज़ से? गले में चुनी, हाँ 3-4 महीने की बताई।